अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये डे 5 का सेकंड मैच है, अभी चल रहा है। तो हमारे साथ अभी जो टीम्स बनी हुई हैं वो 15 टीम्स बनी हुई है और 47 बंदे में हमारे साथ बने हुए हैं। जितना जितना टाइम हो रहा है टूर्नामेंट में कम प्लेयर्स कम हो रहे हैं, तो आई डोंट नो रीज़न क्या है, शायद उनको मतलब लग रहा है अब हम नहीं जीतेंगे इसलिए वो भाग गए, तो वो अभी नहीं कर रहे हैं ज्वाइन। तो हमारे साथ कम ही टीम्स जुड़ रही हैं, अब फिलहाल हम इन्हीं के साथ खेलेंगे, चलो उनके किस्मत में नहीं होगा तो। इसके बाद भी हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। उसका भी पोस्टर मैं बना रहा हूं, जल्दी वो पोस्टर मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। वो वाला उस वाले टूर्नामेंट में हमें बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। अगर हम बात करेंगे तो जॉर्ज पूल में 4 स्क्वाड्स उतरी हैं, 4 टीमें जॉर्ज पूल में उतरी हैं, फाइट होने वाली है वहाँ पे। बहुत सारी टीमें जॉर्ज पूल में उतरी हैं, टीम 22, टीम 14, ओ भाई कितने टीम्स उतरी हैं वहाँ पे, बहुत तीन टीमें उतरी हैं एक ही जगह पे, जॉर्ज पूल्स टीम है। तो पोजिंग की बात करेंगे तो वहाँ भी दो टीमें उतरी हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाकी एरियाज़ की तो सब जगह टीमें उतरी हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं टीमें, सेपरेट हुई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो AKM से नॉक किया गया है किसी को। हम जाएंगे इधर, मैं आपको दिखाऊंगा जॉर्ज पूल्स टीम है, नॉक है बंदा, इनका एक बंदा D4E पंक नॉक। अभी थोड़ा सा ग्राफिक्स का इशू है तो ग्राफिक्स ठीक नहीं आ रहे हैं, खुद ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदे बने हुए हैं, टीम 8 यहाँ पे बनी हुई है, टीम 8 अच्छा खेलती हैं, टीम 8 की फाइट जो होते हैं टीम 22 से हो रही है, डिस्ट्रॉयर टीम से हो रही है, टीम डिस्ट्रॉयर तो बहुत अच्छी टीम है। अगर हम बात करेंगे पोजीशंस की, आप देख सकते हैं कैसी कैसी पोजीशंस पे बने हुए हैं, बहुत ही नज़दीकी मामला हो सकता है क्योंकि दो बंदे आपस में हैं, फाइट होने वाली है इन दोनों की। और यहाँ से दूर से पड़ते हुए बहुत ही अच्छी पोजीशन संभाले हुए हैं यहाँ पे स्मोक की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और टीम भी है पीछे से, बाइक या तीन टीमें हैं यहाँ पे फाइट। ओ यहाँ पे नॉक कर दिया है MDY फिरदौस को, D4E यहाँ पर MDY इकबाल को नॉक कर दिया एक्स डिस्ट्रॉयर ने, दो बंदे नॉक हैं MDY स्क्वाड के, आई थिंक पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे दोनों बंदे क्योंकि इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। फिनिश कर दिया है यहाँ पर MDY फिरदौस को लूसीफर ने। 4E पंक की बात करेंगे, इसको भी नॉक किया गया था। और इकबाल की बात करेंगे हम, इकबाल इस वाले बिल्डिंग में है तो इस पर भी रश होगा, दूसरे साइड से एक और टीम है, फिनिश करने की कोशिश करेंगे हम। तो स्मोक की ने नॉक कर दिया है सोल स्टॉर्म को, ओ यहाँ पर TA4 लूसीफर MDY टाइगर की स्प्रे से नॉक, टाइगर भी नॉक होते हुए। भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई लक कर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे लूसीफर नॉक, इनका एक प्लेयर पूरा फिनिश हो चुका है, 4AW की स्क्वाड इधर ही है, MDY टाइगर जो है वो नॉक हो चुके हैं और पूरी तरह से फंस गए हैं, दो बंदे पहले किल हो चुके हैं इनके, यहाँ पे तीन बंदे नॉक हैं D4E के, टीम 22 पूरी तरह से फिनिश। भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गालियाँ देते हुए, 4AW के तीन बंदे बचे हैं, चारों बंदे बचे हैं, एक बंदा यहाँ पे अपार्टमेंट में आया है। तो स्मोकी की बात करेंगे दूसरे साइड से, यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे स्मोकी अपने टीममेट MDY टाइगर को, फाइट ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे, एक दो स्क्वाड्स वाइप हो चुके हैं ऑलरेडी, नहीं सॉरी एक ही स्क्वाड वाइप हो चुकी है और दूसरी स्क्वाड भी तैयार है वाइप होने को, एक ही बंदा बचा है इनका, एक बंदा नॉक है, रिवाइव नहीं हो पाएंगे क्योंकि चारों बंदों ने घेर लिया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस अपार्टमेंट की तो चारों ओर से घेर लिया है यहाँ पे 4AW की स्क्वाड ने, एंग्री वुल्व्स नाम है इनका, तो टीम 20 है ये, बहुत अच्छा खेल रही है। MDY स्मोकी की बात करेंगे तो दूसरे ओर बैठे हैं, यहाँ पर किल नहीं दे, किल हो गए यहाँ पे, पूरी तरह से फिनिश हो गए जोन से ही, ढूंढ रहे थे कहाँ है बंदा लेकिन दिखा ही नहीं, यहाँ पे बंदे को ढूंढ लिया है और इसको लूट करेंगे अभी।
नहीं दिख रहा है लेकिन सीधे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे इनके साथ स्मोकी भी हैं, तो स्मोकी देखेंगे अब क्या करेंगे। स्मोकी स्मोकी जो है अभी बैठे हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे पोचिंग की, तो दो स्क्वाड्स पोचिंग की में उतरी हैं, टीम 14 भी पोचिंग की में है। F4 की टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, F4 की टीम 3 चिकन डिनर निकाले हैं इस गेम में। फेयरलेस 4 बहुत अच्छा खेल रही है, साहिल सज्जाद वाई टीम के सबसे अच्छे प्लेयर है। उबैर ने यहाँ पे नॉक कर दिया है, उबैर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उबैर ने दूसरे बंदे को नॉक किया, बढ़िया खेल रहे हैं उबैर। मुझे नहीं लग रहा किसी को आगे आने देंगे पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल पे पहली जगह बनाई है 5M ई-स्पोर्ट्स ने, दूसरी जगह बनाई है फेयरलेस 4 ने, जबकि 5M ई-स्पोर्ट्स की दो ही चिकन डिनर हैं, और अगर हम बात करेंगे फेयरलेस 4 की तो उनके पास 3 चिकन डिनर है, फिर भी पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे है क्योंकि किल्स बहुत किए हैं। रश करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ज्यूस हो गए नॉक, ज्यूस नॉक हो गए, फाइट चल रही है यहाँ पे। फरजान बट नॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4AB जो है काइसर को भी नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया काइसर को, बहुत ही अच्छा खेल रही है टीम। उबैर यहाँ पे बाहर बचे हुए हैं, मोली मार दी है अंदर, भाई क्या खेल रहे हैं, मोली मारी है अंदर। टीम 24 यहाँ पे, उबैर यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करेंगे अपने टीममेट, इनके टीममेट जो दो नॉक हैं, एक ही बच्चा है, तो कोशिश करेंगे कि उसको रिवाइव करें। लेकिन यहाँ पे उबैर की बात करेंगे, ग्रेनेड फेंक दिया है अंदर, और यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश कर दिया उबैर ने, और यहाँ पे अपने ही नेट से नॉक, दोनों स्क्वाड वाइप हो चुकी है। क्या गेम थी भाई साहब, अरे भाई क्या मजा था गेम में, दोनों स्क्वाड एक साथ वाइप, अपने ही नेट से नॉक हो चुके हैं, दोनों स्क्वाड वाइप हो चुकी है। टीम 14 और टीम 24 दोनों बाहर हो गई इस गेम से, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस 5 उबैर की तरफ से। 4AW आदिल ने नॉक कर दिया है, 5M उबैर की तरफ से, भाई उसको पता ही नहीं था कि अंदर नेट पड़ा हुआ है और सीधे गए। अगर हम बात करेंगे टीम 5 की, टीम 5 अभी लूट लाए हैं अलग किसी जगह पे, 4AW फाइट चल रहे हैं यहाँ पर, स्क्वाड की एंग्री वुल्व्स की फाइट चल रही है, हम एंग्री वुल्व्स पे जाएंगे। तो दो दो किल्स निकाली हैं एंग्री वुल्व्स, कोई बोल रहा है वाटर स्टीम में फाइट चल रही है इनकी, किमता लोग गेवन वनन, अभी मजा आएगा। MD भाई जानी जो है इनके सामने है, अर्शेद जो है अच्छा खेलते हैं, एंग्री वुल्व्स के प्लेयर हैं, चार बंदे इनके थे लेकिन एक बंदा जो है उसको पूरा फिनिश कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि 5M उबैर की टीम इस बार पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आएगी। उबैर जो है उनके शायद लीडर हैं, मुझे नहीं पता कौन है उनके लीडर, लेकिन अच्छा खेल रही थी टीम, लेकिन आज किस्मत ही ख़राब थी उनकी, अपने ही नेट से नॉक हो गए और पूरी स्क्वाड वाइप हो गई। यहाँ पे ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पुश कर दिया और ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है MD वाई जानी बाहर हो गए। 3 किल्स की है अर्शेद ने, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अर्शेद भाई, लेकिन एक बात है सर्कल बहुत बड़ा है, प्लेयर्स 30 अलाइव, 30 बंदे बचे हैं, सर्कल बड़ा है। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि कम टीम्स ज्वाइन कर रही हैं, पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी हैं टीम्स की, हम नहीं जीत पाएंगे अब इसलिए भाग गए। मैं बता दूं आपको घट सोना चाहिए रूम खेलने, यहाँ पर शिवनान कच्चू कुछ तो हम जो ना कच्चू ऑल एस्पेक्ट, अभी देखेंगे क्या होगा। जोन जो है करीबी करते हुए वो हा गो, तीन बंदे बचे हैं इसके 4AW की स्क्वाड के। अथर जॉन विक की बात करेंगे, पॉलिनाया में बने हुए हैं, पिछली बार भी पॉलिनाया में उतरे थे, तो अच्छी सी लूट करनी चाहिए इनको, और DP उठाई है इस बार हंटर प्रो ने। अभी इससे पहले की गेम में हंटर प्रो बहुत गंदी तरीके से नॉक हुए थे, स्प्रे बिल्कुल मिस किया था। यहाँ पे ऐतिशी नफर बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे फाइट हो रही है, तो ऐसे ब्रोन भी है कुंजाई गाड़ी अच्छा है थे
स्कूल की बात करेंगे, हम स्कूल पे जाएंगे तो स्कूल में कौन कौन सी टीमें बनी हुई हैं हम पहले देखेंगे। स्कूल में जो टीमें हैं वो हैं, ये वाली टीम स्कूल में है, लूट कर रही है स्कूल के करीब ही। हम थोड़ा सा एरियल व्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं, सॉरी ये नहीं है, ये टीम नहीं है। जब भी वो एक से चेक कर वो ये नेड पादरा गोड गोड आए बस वो जल्दी मार देखिए। हम मोल जो उनको नॉक कर दिया गया है, फोर एडम जो राश ने मोल जो उनको नॉक किया, फोर अक्षय भी नॉक हो चुके हैं और पूरी तरह फिनिश हो चुके हैं। क्या खेल रहे हैं दोनों प्लेयर्स, लेकिन खत्म हो चुके हैं। फोर एडम नेड पाना है ना, एचएम शैडी पूरी तरह से आउट हो गया और यहाँ पर टीम सेवन भी है। यहाँ पे टीम सेवन की बात करेंगे, अब देखिए कैसे बने हुए हैं टीम सेवन की प्लेयर्स, तो रश करना चाहेंगे इन पे। नॉक कर दिया है यहाँ पे फोर एडब्ल्यू जीन्स को, फोर एडब्ल्यू जीन्स खत्म, पूरी एक बचा है, फोर एडब्ल्यू आखिर बचा है तो वो आगे भी रश करेंगे और वो भी फिनिश होते हुए। संभाला साले एक मैच लगाओ मैं वो तक पांच तरह गए और तक नौ किल। यहाँ पे गालियां देते हुए रश किया था और दोनों टी बंदे जो हैं पूरी तरह से खत्म, तो वाइप करते हुए स्क्वाड को, एंग्री वोल्व्स की स्क्वाड खत्म। ऐसे ही खेल रहे थे मजे के लिए, इसीलिए रश किया, सेफ नहीं खेला और इनको नतीजा उनका और उसका मिला, दोनों बंदे फिनिश हो गए। तीन बंदे थे, तीनों बंदे जो है यहीं पे फिनिश हो गए। टीम सेवन की बात करेंगे तो टीम सेवन जो है इसमें गैंग लीडर ने दो किल्स किए हैं, अच्छा खेल रहे हैं गैंग लीडर। टीमें बहुत सर्कल बहुत बड़ा है और टीमें 24 बची हुई हैं, अभी फाइट लगनी चाहिए मैच में तभी मज़ा आएगा मैच में। 12 मिनट हुए हैं स्ट्रीम को, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। अभी जोन जो है वो बिल्कुल, बहुत सारी टीम्स को जोन में आना है। अगर हम बात करेंगे तो जोन जो है पोचिंग की, स्कूल रोजॉक यसना है पोलना है शेल्टर मैंशन और फार्म में बना है, तो ये सारी जो है। यहाँ पे एक बंदा सोलो बचा है, यहाँ पे वो भाग रहा है, फोर ए बी आसिफ, हम इस पर जाएंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अकेले बंदे हैं। अभी भी एक अकेला बंदा था ब्रावलर, लेकिन उसने 4 किल्स की थी, बहुत ज़बरदस्त बढ़िया प्लेयर है। एक चिकन डिनर निकाला था लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ, क्यों भाग गए वो। तो यहाँ पे बगी में आ रहे हैं, अकेले बंदे हैं, अकेले बंदों पे मुझे तरस आता है इसलिए मैं इन पे थोड़ा सा स्क्रीन करता हूँ। अभी जाएंगे पोचिंग की तरफ जहाँ पे एक स्क्वाड मौजूद है, गैंग लीडर यहाँ पे पोचिंग की पे नहीं, कोई नहीं है, लेकिन स्कूल में है बंदे। बंदे जो हैं यहाँ पे हैं मीर रावी, आप देख सकते हैं चारों ओर से बंदे। यहाँ से भी एक स्क्वाड है, के एम आर किंग्स की स्क्वाड है यहाँ पे। तो यहाँ पे F4 की स्क्वाड जो है वो भी आ रही है, F4 मोहसिन उबैर की स्क्वाड जो है वाइप हो चुकी है। अभी F4 की MD व स्मोकी बचे हैं, पता नहीं वो कहाँ पे हैं, वो भी बचे हैं। अभी MD व स्मोकी पे हम जाते हैं, हम देखेंगे वो कहाँ पे हैं। स्मोकी जो है वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जोन में फंस गए हैं क्योंकि इनके पास गाड़ी नहीं है, बच गए हैं, लेकिन एक वहाँ पे फाइट हुई थी तो वहाँ से बच निकले। अभी पता नहीं क्या होगा आगे, कोई बंदा नहीं है वहाँ पे, बस देख रहे हैं क्योंकि जोन में बहुत दूर डांस कर रहे हैं। आप देखिए अच्छे प्लेयर हैं लेकिन अपने बंदे को रिवाइव नहीं कर पाए। इनका एक प्लेयर है MDY और वो भी पता नहीं कहाँ पे है, वो भी अच्छा खेलता है। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो फॉर्म पे बने हुए हैं अभी एक स्क्वाड टीम 25 और यहाँ पे भी बनी हुई है एक टीम शेल्टर के करीब प्रिजन में, कोई एक वहाँ एक टीम प्रिजन में भी है, F4 की टीम प्रिजन में है यहाँ पर, सॉरी F4 नहीं, ये वाला दूसरा F4 है,
ये दूसरा ऐप फोर है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्क्वाड जो है नज़दीक नज़दीक है, तो कोशिश करेंगे सब लोग चिकन डिनर निकालने की। मिल गई है गाड़ी MD वाइस स्मोकी को, तो अगर हम जाएंगे हंटर प्रो पे, नहीं यहाँ पे जाएंगे अल्फ़ा आफाक पे जाएंगे, हम देखेंगे क्या कर रहे हैं अल्फ़ा आफाक। AKM है इनके पास और UMP 9 उठा ली है इन्होंने, तो ये पता नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सामान शायद। अच्छे प्लेयर हैं 0-0-0, लेकिन इनको भी किस्मत कभी साथ नहीं देते हैं। अगर बात करेंगे इनकी लीग की, तो ये इस डोमिनेटर लीग में है, कनकर होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये पीक कर रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं वहाँ से, बंदा तो कोई नहीं है उस साइड से, तो बंदा नहीं है लेकिन दूसरे वाले साइड से हैं, यहाँ प्रिजन में बंदे हैं। F4 की स्क्वाड जो है खुलेआम घूम रही है, कोई इनको हाथ भी नहीं लगा रहा है। स्मोकी आ गए हैं जोन में, फिलहाल के लिए मज़ा नहीं है गेम में, क्योंकि MRDB वहीं पे हैं, बैठे हैं, आफाक भी बैठे हैं। F4 साहिल की बात करेंगे तो गाड़ी में चढ़ेंगे, सज्जाद की बात करेंगे सब लोग यहीं पे बने हुए हैं। गैंग लीडर की बात करेंगे तो ये भी स्कूल में है अभी, बंदे बचे हैं। स्मोकी की तो हमने बात की, जॉन विक की बात करेंगे तो जॉन विक देखेंगे कहाँ पे हैं, तो यसनाया के करीब ही हैं जॉन विक, उठा ली है उन्होंने। बहन राशिद के साथ कुछ मस्ती कर रहे हैं, तो जॉन विक की बात करेंगे, इसने स्कार अल उठाई है और UMP 9 उठाई है, और नीचे जो बंदा झुका है उसने M416 उठा ली है। अथर जो है अच्छा खेल रहे हैं, वो भी देखिए कैसे लेटे हुए हैं, क्या कैंप कर रहे हैं भाई साहब, लगता है आज चिकन डिनर निकाल पाएंगे। जिस तरीके से कैंप कर रहे हैं उस एंगल से मुझे लग रहा है कि ये चिकन डिनर निकाल पाएंगे आराम से। तो आप देखिए कैसे खेल रहे हैं अच्छे से। तो अगर हम बात करेंगे जोन जो है छोटा हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है जोन, 24 बंदे अलाइव हैं, मज़ा आने वाला है गेम में। सर्वाइव करते हैं, बहुत ही अच्छी गेम खेलते हैं, सर्वाइवल गेम खेलते हैं। जॉन विक बस सबको मार रहे हैं यहाँ पे। अथर की बात करेंगे तो अथर नीचे आ गए अब, तो अभी आप देख सकते हैं जोन छोटा होने वाला है, अब देखें किसके फेवर में जोन बन जाएगा। भाई जोन तो बीच में बन गया, यहाँ पर F4 की स्क्वाड जोन के अंदर है और एक स्क्वाड जोन के अंदर है जो Team 25 में है। और यहाँ पे हम बात करेंगे स्कूल वाले की, जो स्कूल में थे Team 7, वो भी जोन के अंदर है। 4A भी RCP जोन के अंदर है, जोन में आना पड़ेगा। हंटर्स टीम हंटर्स को जोन में आना पड़ेगा, KMR किंग्स को जोन में आना पड़ेगा, और Team Fearless 4-2 को जोन में आना पड़ेगा। 8 टीमें बची हैं, 24 बंदे बचे हैं, क्या गेम है यार, मज़ा आएगा इस गेम में। चारों ओर से बंदे हैं, तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल लोकेशंस देखेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल तो सारी टीमें अलग अलग हैं, कहीं पे भी फाइट होने का कोई भी चांस नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जितना जितना सर्कल छोटा हो जाएगा उतना उतना चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे जोन फाइट के। यहाँ पे अथर बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, इनको इनके पास गाड़ी है, एक गाड़ी तो मिल गई इनको, गाड़ी में जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हंटर प्रो जो है उसकी हालत थोड़ी सी कम है मुझे लग रहा है, नहीं ग्लिच है थोड़ा, बनी हुई है यहाँ पे स्क्वाड। तो अगर हम बात करेंगे F4 टीम की, जो F4 की टीम नज़दीक आ रही है, ड्रॉप के पास ही हैं, और F4 जो है वो भी यहाँ पे स्क्वाड हाउस में बनी हुई है एक जगह पे। फेयरलेस 4 की टीम दो है, एक तो फेयरलेस 4-1 है और फेयरलेस 4-2, दोनों टीमें ठीक ठाक खेलती हैं, लेकिन F4 की अलग ही बात है, बहुत अच्छा खेलती है। अभी देखना है कि चौथा चिकन डिनर निकाल पाएंगे या नहीं।
F4 की स्क्वाड, फेयरलेस 4 की स्क्वाड देखेंगे क्या कर पाएंगे चिकन डिनर या नहीं। तो अभी बंदे जो हैं सारे क्लोज आ रहे हैं, स्मोक भी आ रहे हैं जोन में, जोन छोटा हो रहा है, फाइट के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है फाइट हो सकती है इनकी, लेकिन नहीं, वहीं पे रुक गए, होल्ड किया है यहाँ पे हंटर्स की टीम ने, रुक गए हैं यहाँ बीच में कहीं पे, शायद किसी घर में रुके हुए हैं, ब्रोकन वॉल के पीछे हैं, नहीं घर में हैं, तो ग्लिच हो रहा है तो उसकी वजह से नहीं दिख रहा है कुछ। अगर हम F4 की स्क्वाड की बात करें तो आप देखिए F4 की स्क्वाड की पोजीशन क्या है और ये दूसरे स्क्वाड की पोजीशन क्या है। मुझे लग रहा है कि ये रश करने वाले हैं। तो अगर हम F4 की बात करेंगे, हम देखेंगे F4 कहाँ से देख रहे हैं, उनको कोई अंदाज़ा है कि उन पर कोई टीम स्पेक्टेट कर रही है। अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल उल्टा देख रही हैं, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ पे हैं बंदे, पीछे इनके बंदे हैं, देखिए कैसे कैसे देख रहे हैं उधर, देख रहे हैं उधर कहीं पे बंदे तो नहीं है। लेकिन बात करेंगे तो अच्छा खेल रहे हैं F4 की स्क्वाड, पीछे इनके बंदे हैं तो आई थिंक वहाँ पे देख रहे हैं। क्या पोजीशंस ली हैं F4 की टीम ने, और वो दूसरी साइड से हंटर्स टीम ने भी बहुत अच्छी, अभी भी इनकी लास्ट में फ़ाइट हुई थी तो जिसमें हंटर्स टीम पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो जोन फिर से आ रहा है, अभी देखना है जोन कहाँ पे बने, किसके फेवर। ओ भाई जोन जो फेवर कर रहा है, अभी जो पिंक कलर की टीम है वहाँ पे जोन उनको फेवर कर रहा है, पिंक कलर जो है टीम 16 के हक में बना है जोन, तो टीम 16 पे ही जोन बने, तो जाने की कोशिश करेंगे। तो जा रहे हैं यहाँ जोन में, जा रहे हैं चारों के चारों बंदे निकल रहे हैं, यहाँ से एक और टीम है तो सारी टीमें कोशिश करेंगी कि जोन में जाने की, तो यहाँ पे फाइट हो सकती है। टीम देख सकते हैं यहाँ पे टीम 16 की फाइट हो सकती है इनके साथ, टीम 16 पे हम फोकस करेंगे, देखेंगे कैसी हालत है इनकी, डर रहे हैं या नहीं। देखिए ओपन में रुक रहे हैं तो मारने की कोशिश करनी चाहिए, और यहाँ पे नॉक करते हुए, और यहाँ पे ये क्या हुआ है, गिर गए हैं और एक्स्ट्रा की। तो टीम 7 भी यहाँ पे ही है, क्या फाइट हो रही है भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं। हंटर्स की बात करें तो हंटर्स अपनी ही जगह पे बैठे हुए हैं, F4 स्क्वाड की बात करेंगे तो F4 भी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा एयर लुक दिखाते हैं आपको किस किस की पोजीशन, ये देखिए यहाँ पे F4 की टीम जो है यहाँ पे है, गैंगस्टर्स सामने टीम 7, यहाँ पे स्मोकी भी यहीं पे नज़दीक ही है, टीम 16 जो है चारों के चारों बंदे बचे हैं। F4 की बात करें तो चारों के चारों बंदे बचे हैं, टीम 7 की बात करेंगे तो आई थिंक टीम 7 में दोनों बंदे बचे हैं, तौसी फाइटी और गैंगस्टर दूसरे साइड से आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, स्प्रे मारेंगे इनको, F4 की टीम इनको स्प्रे मारेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी नहीं मार पाए हैं स्प्रे इनको। आप देख सकते हैं कैसे देख रहे हैं कहाँ जाएंगे F4 की टीम, आप देखिए यहाँ पे गैंगस्टर पे ही हो रहा है फोकस, सिंगल शॉट पे शायद चला रहे हैं M16A4। देखिए कैसे ओपन में है, कोई नहीं, किसी की मजाल नहीं इनको स्प्रे मारे, डर रहे हैं सब लोग कि हमें भी मार देंगे फिर अगर हमने स्प्रे मारा। F4 की टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, 3 चिकन डिनर निकाल चुकी हैं ऑलरेडी, तो बनी हुई है यहाँ पे फायरिंग हो रही है, यहाँ पे टीम 16 की फाइट हो रही है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे F4 टीम की तो टीम 16 की फाइट हो रही है अभी, तो जोन में आ रहे हैं यहाँ पे हंटर्स की टीम भी जोन में, यहाँ से देखिए आप हंटर्स की टीम बनी हुई है यहाँ पे ब्रिज पे बनी है, क्या पोजीशन ली है हंटर्स की टीम ने, स्मोकी अकेले बैठे हैं तो पता नहीं ये किसको मार रहे हैं। हम इस पर थोड़ा सा टीम 16 पे जाएंगे, टीम 16 पता नहीं किन को मार रही है, किस को मारे, MDV स्मोकी को शायद, उस पे ही हो रहा है फोकस, हाँ MDV स्मोकी पे हो रहा है।
तो आबिद ने तौसीफ वाइटी को नॉक कर दिया है, आबिद नॉक आउट तौसीफ वाइटी, तौसीफ वाइटी टीम सेवन में है, तौसीफ वाइटी पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। सामने ही है इनके टीम 16, हमने सामने फाइट चल रही है, देखना है क्या होगा। और पीछे से आ गए और पूरी तरह से फिनिश कर दिया आबिद ने। टीम 15 अच्छा खेल रही है, टीम 15 की प्लेयर जो है बहुत ही अच्छा खेल रही है, आबिद मुनीब बहुत ही अच्छा है, ये फियरलेस 4 की दूसरी स्क्वाड है। हंटर्स की बात करेंगे, हंटर्स ने पोजीशन संभाली थी लेकिन जोन उनके हित में नहीं बना, जोन बहुत ही दूर बना है, तो मुझे नहीं लग रहा इनको फाइट लेनी चाहिए इस जगह पे, क्योंकि अगर इनने एक बार फाइट ली तो जोन में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो देखिए मुझे नहीं लग रहा कुछ भी नहीं करना चाहिए इनको। एफोटॉक्सिन जो है, एफोटॉक्सिन ने नॉक कर दिया है, एफ4 की टीम यहाँ पर नॉक कर रही है, देख सकते हैं आप, इनको बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अगर फाइट ली है एक बार तो इनका मरना तो निश्चित है। आई थिंक इनको पूरी तरह से सर्वाइव करना होगा। तो जोन में आने की कोशिश, 33 सेकेंड्स हैं अभी जोन में आने के लिए, एज पे बैठे हैं, क्या पोजीशन संभाली है, क्या पोजीशन संभाली है भाई साहब। तो यहाँ पे कुछ देखते हुए और अपने टीममेट्स को भी बुलाएंगे। अगर हम बात करेंगे बंधु तो 19 बंदे अलाइव हैं, क्या गेम है भाई, 6 टीमें बची हैं अभी। तो मुझे नहीं, ये इनको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे समझ ही तो नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हैं। टीम हंटर्स बहुत ही मुश्किल में फंस चुकी हैं क्योंकि जोन में आना मुश्किल है उनके लिए, जोन आ रहा है और जोन ने उनको अपने लपेट में ले लिया है, जोन से नॉक हो जाएंगे लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त गेम है आप देख सकते हैं। अगर हम हंटर्स की बात करेंगे तो जोन में आ गए हैं, जोन में आ गए हैं हंटर। जोन में की बात करेंगे, फाइट हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त, टॉक्सिन आप देखिए यहाँ पे क्या फाइट हो रही है, हंटर प्रो गाड़ी जो है चला, ओ यहाँ पे फाइट होने की कोशिश, आगे आ रहे हैं एफ4 टॉक्सिन, सजाद वाइटी लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ओ यहाँ पे जोन से नॉक होने का खतरा है। तो हील करना चाहेंगे यहाँ पे, तो हंटर की टीम, एफ4 की टीम जो है बहुत अच्छे खेल रही है, नॉक करते हुए एफ4 उमर को पूरा फिनिश कर दिया एफ4 उमर को। गाड़ी में आ चुके हैं और हील कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त स्प्रे और पूरी तरह से फिनिश कर दिया है टीम को, टीम हंटर्स पूरी तरह से खत्म। इससे पहले भी एफ4 स्क्वाड के साथ ही फाइट हुई थी इनकी और इस बार भी एफ4 स्क्वाड के साथ फाइट हुई, लेकिन दो बंदे एफ4 के पूरी तरह से खत्म कर दिए, बहुत अच्छा खेले हंटर्स टीम। देते हुए बहुत ऐसे सुप्रे, लेकिन बचते हुए खुद भी बचते हुए नॉक कर दिया है, तो अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे के एमआर। ईडी ने जॉन शाह को नॉक कर दिया है, तो इस टाइम बनी हुई है टीमें सारी, यहाँ पे पढ़ रही है दूसरे साइड से पढ़ रही है, यहाँ पे एफ4 की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, पोजीशंस दिखाएंगे आपको, मजा आएगा अभी गेम में क्योंकि यहाँ पे टीम 16 जो है पूरी तरह से खत्म है। टीम 16 पे ओ भाई नॉक कर दिया है कि हमारे ई को, एक बंदा बचा था हंगरी एवल ने नॉक कर दिया, पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। आफाक आ रहे हैं इस जोन में, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 3-4 बंदे यहाँ पे नॉक हैं और जॉन शाह जो है बचे हुए हैं अभी, यहाँ पे नॉक कर दिया है, फिनिश करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, जोन बहुत डैमेज दे रहा है, जोन से नॉक होते हुए बहुत ही ज़बरदस्त फाइट चल रहे हैं। यहाँ पे मुनीब जिंदा है और मुकीत जिंदा है, फाइट हो रही है यहाँ पे, एक और MD वाई स्मोकी भी जिंदा है, यहाँ पे प्रिया को नॉक, मुकीत को नॉक करते हुए सारे बंदे मर चुके हैं, अभी जॉन शाह बचे हैं जोन के अंदर आ चुके हैं, MD वाई स्मोकी बचे हैं वो भी जोन के अंदर ही हैं। क्या गेम है भाई साहब,
F4 की स्क्वाड की बात करेंगे, मुकीत को नॉक किया है, सज्जाद वाईटी अभी बचे हैं, सज्जाद वाईटी पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, 3 किल्स किए हैं और यहाँ पे नेड मारा है, 2 बंदे इनके पूरी तरह से नॉक हैं और बुधोन बहुत ही छोटा है, यहाँ पे खुद को ही मोली मारने की को मार दी है लेकिन बच गए बाल बाल, मुकीत आबिद नॉक, 2 बंदे नॉक, जॉन शाह बचे हैं, आगे जॉन शाह है, पूरी तरह से फिनिश करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आ रहे हैं आबिद आगे से और उसको भी मार दिया है पूरी तरह से, तो पूरा स्क्वाड ही वाइप कर दिया है, F4 स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त खेल रही है भाई साहब। दूसरा चिकन, आई थिंक चौथा चिकन डिनर जो है वो भी यही निकालेंगी, क्या खेल रही है MDY की टीम, सॉरी F4 की टीम, यहाँ पे फिनिश कर दिया है पूरा फियरलेस 2 को, स्मोकी यहाँ पे बचे हुए हैं और यहाँ से जॉन शाह बचे हैं, 2 बंदे सिंह सोलो और डियो, देखना है क्या कर पाएंगे, लेकिन एक फायदा है कि ये जोन में बैठे हैं जॉन शाह, जो अगर हम बात करेंगे जॉन शाह की तो जोन से नॉक हो जाएंगे क्योंकि जोन बहुत ही ज़बरदस्त डैमेज दे रहा है इनको, लेकिन जोन में आने में कामयाब हो गए, तो यहाँ ब्रोकन वॉल पे रुकेंगे, फिर से जोन आ गया, जोन से मर जाएंगे, पूरा यकीन है मुझे जोन से मर जाएंगे, वहाँ से स्मोकी भी आगे आते हुए, इस साइड से नहीं आना चाहिए इनको, देखिए कैसे देख रहे हैं उनको, उन पे कैसे देख रहे हैं, तो अब आई थिंक इनको बहुत अच्छा मौका है अभी नॉक देने का, नॉक दे सकते हैं आराम से, लेकिन बहुत ही घटिया खेल रहे हैं, नहीं आता है खेलना, जॉन शाह जो है पूरी तरह से ख़त्म, कुछ नहीं आता इनको खेलना यार, जॉन शाह जो थोड़े से क्या बोल रूँ मैं, इनको अच्छे से मौका था इनको किल करने के लिए लेकिन नहीं कर पाए, अभी स्मोक ही बचे हैं, एक 1v2 होना है, अभी देखना है क्या हो पाएगा या नहीं, MDY की टीम जो है बहुत आगे जाएगी क्योंकि लास्ट तक बची हैं, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी तो हम देखेंगे किस वहाँ पे स्मोकी की जो बने हुए हैं वहाँ पे एक अपनी जगह पे, तो रेंगते रेंगते हुए आ रहे हैं, स्मोक मारा है यहाँ पे, तो नीचे बैठे, उठे और फिर से नीचे बैठे, लोकेशन पता चल गई टीममेट्स को, आई थिंक भाग जाएंगे, दूसरे साइड से आ रहे हैं, F4 टॉक्सिन नॉक, क्या मारा है, एक ही बंदा बचा है, पूरा फिनिश कर दिया है, 1v1 फाइट, क्या खेल रहे हैं स्मोकी, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं स्मोकी, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं स्मोकी, दूसरे साइड से फ्लैंक करने की कोशिश सज्जाद वाईटी की, सज्जाद वाईटी भी एक अच्छे प्लेयर हैं, देखना है क्या कर पाएंगे, 1v1 फाइट है, तो मार रहे हैं अभी, पता नहीं कहाँ पे मार रहे हैं, लेकिन MDY स्मोकी जो है वो भी अच्छा खेल रहे हैं, तो जूम स्मोक में आ रहे हैं, इसके पास कवर है, उसके पास कवर है, तो मारने की कोशिश करेंगे, ये भी पेड़ के पीछे बैठे हैं, पेड़ के पीछे हैं मारने की कोशिश, सज्जाद वाईटी वहाँ पे बैठे हैं, सज्जाद वाईटी को थोड़ा सा पहले देते हुए, और यहाँ पे ज़बरदस्त MDY स्मोकी ने चिकन डिनर निकाला, क्या गेम खेली, 1v4 कर दिया, क्या खेल रहे हैं भाई साहब, स्मोकी क्या गेम खेल रहे हैं, हटा लिया यहाँ पे F4 स्क्वाड को, चौथा चिकन डिनर जीतने से यहाँ पर उनको रोक लिया, बहुत ही ज़बरदस्त खेल रही है MDY की टीम, एक चिकन डिनर निकाला है इन लोगों ने और इससे पहले भी बहुत अच्छा खेल चुकी हैं, 4 किल्स निकाली हैं, बात करेंगे F4 टीम की तो 8 फिनिशेस निकाल चुके हैं, और बात करेंगे हम ये कौन सा टीम है, आई डोंट नो ये कौन सा टीम है, इसने भी 3 फिनिशेस निकाली हैं, मुनीब F4 2 उन्होंने 2 फिनिशेस निकाली है, टीम KMR ने 1 फिनिश निकाली है, और हंटर्स ने 1 फिनिश निकाली है, 4AB आसिफ ने 0 फिनिशेस निकाली है, गैंग लीडर 3 फिनिशेस 1 फिनिश, 4AW अरशद 4 फिनिशेस 1 फिनिश 1 फिनिश 3 फिनिश, बहुत अच्छा खेली है 4 एंग्री वुल्व्स की स्क्वाड, लेकिन जल्दी भाग गए, कुछ जल्दी थी इनको, बाकी अगर हम 5 फेम ई स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो कैसर ने 1 किल किया, उबैर ने 3 किल्स किए, फरजान भट्ट ने 0 किल्स किए, ज्यूस की बात करेंगे तो कुछ नहीं किया है इन 4AB स्क्वाड ने, और जो टीम 15 है उनने 1-2 किल्स किए हैं, इसी के साथ हम ये जो मैच है इसको वाइप करते हैं, आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस रूम को शेयर कीजिए, इस टूर्नामेंट को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टूर्नामेंट को ज्वाइन कर सके, या आगे जो भी टूर्नामेंट आने वाले हैं उनको ज्वाइन कर सके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।